आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन क्रॉप्स। हमें बताना है कि क्रॉप्स क्या होती हैं। तो क्रॉप्स क्या है? बेसिकली प्लांट्स हैं जो कौन ग्रो करता है? फार्मर्स। कौन ग्रो करता है? फार्मर्स। हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। हम और ये भी कह सकते हैं कि जो 70% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, किसके लिए? फूड एंड मनी, दोनों तरह से। भाई क्रॉप्स ग्रो होंगी तो हमें क्या मिलेगा? खाने को खाना मिलेगा, और जो वहां पर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में उन्हें क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? पैसे। तो ये ज्यादातर कहाँ पर होता है? मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? रूरल एरियाज में, मतलब गांव वगैरह में ज्यादा उगाई जाती है। जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स की वो डिपेंड होती है वेदर पर और सॉइल की कंडीशन पर, कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो उस क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि हमें पता है कि कितने टाइप्स की क्रॉप होती हैं? दो टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। एक होती है खारिफ और एक होती है राबी। जो क्रॉप्स मॉनसून में ग्रो होती हैं, मॉनसून सीजन में ग्रो होती है उनको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। और जो किसमें ग्रो होती हैं? विंटर सीजन में, उसे हम बोलते हैं राबी क्रॉप्स। कैसी क्रॉप्स बोलते हैं? राबी। सीड्स होती हैं खारिफ क्रॉप्स में, वो बिगनिंग मॉनसून के बिगनिंग में क्या कर दी जाती है? सोन कर दी जाती हैं, और उनको मॉनसून के लास्ट में क्या कर दिया जाता है? हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इनको कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है अपने प्रॉपर ग्रोथ के लिए। राबी की बात करें तो राबी को क्या करते हैं? विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, और ये क्या होती है? नई नई क्रॉप्स की वैरायटीज को उगाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। और ये ज्यादातर कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? इसे वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? दो और रिक्वायर अ कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है मैच्योरेशन और जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। तो हमसे पूछा गया कि क्रॉप्स क्या होती हैं? क्रॉप्स ऐसे प्लांट्स जो फार्मर्स ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रो करते हैं, जो हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।